मार्केट में आटा होना चाहिए 125 से 130 रुपए का। 130 में तो आ भी नहीं रही गंदम, 150 रुपए गंदम आई भी है, 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है। और ये बोरान जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो हो सकता है। वो देंगे, वो क्या कहते हैं ना, वो आटा गंदम भी खराब लेकर आए। वो तो गवर्नमेंट तो पीछे से ऑर्डर करती है, मगर आगे बेचने वाले से कुछ नहीं ना कोई नहीं। वो सिंध हुकूमत के अपने घर के अंदर मिल रहा है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा, बाहर आवाम के घर में नहीं है। इसे कराची इंतजामिया 130 रुपए किलो में आटा फरोख्त ना करा सकी, दाम कहीं 150 और कहीं 160 रुपए किलो, शहरियों की तनकीद, दुकानदारों ने सस्ती गंदम की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल का आगाज, सिंध हुकूमत से मुजाकरात नाकाम, शहर की 92 मिले बंद, आटे की सप्लाई मौतल। एसोसिएशन के रहनुमा कहते हैं मार्केट में आटा नापैद होगा और मनमानी कीमत वसूल की जाएगी। महंगाई की चक्की में पिसे कराची वालों पर मजीद सितम, के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत 3.70 रुपए यूनिट बढ़ा दी। लायंस एरिया में आवाम सड़कों पर अहम शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों का कहना है कि गर्मियां शुरू होते ही 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर आला नोटिस लें, बिजली बिलों की अदम अदायगी पर मुनकता। अल्लाह का घर भी गैर महफूज, गुलिस्तान जौहर की मस्जिद हुदा में नात रिकॉर्ड करने के बहाने नाबीना मौज़िन का मोबाइल फोन लूट लिया गया, मुलजिम ने ऑनलाइन ऐप का पासवर्ड। महमूदाबाद में कारखाने के अंदर सिलेंडर धमाका, एक शख्स जा बाहर, दो अफराद शरीर जख्मी। न्यूटाउन में पुलिस मुकाबला जाली करार, कमल के कत्ल का मुकदमा, इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस अफसर फरमान शाह गिरफ्तार। खाना मर्दम शुमारी में फुर्तियां, कराची की आबादी 1 दिन में 1 लाख से जायद बढ़ गई, शहरकायद की मजमू आबादी 1,80,00,000 अफराद से जायद, वस्ती सबसे बड़ा और जनूबी सबसे छोटा जिला। आवाम की 75 साल से फील्डिंग, मखसूस तबके की बैटिंग, फारूक सत्तार कहते हैं 3 जमातें बारियां ले रही हैं, मौलूसी सियासत की वजह से जमहूरी अमल पर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। वजीर खारजा आज भारत रवाना होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई तावन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीखों पर नजरसानी की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून तब्दील किया, ये अदलिया का इख्तियार नहीं, गलती की दुरुस्ती की जाए, इलेक्शन कमीशन का मौके। एक दिन इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरा, पीटीआई ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन के इल्तवा का कोई जवाब कबूल नहीं, सदर आरिफ अलवी कहते हैं अवाम खुद सड़कों पर नहीं आते बल्कि सियासतदान होते हैं, मुतहरक करते हैं। दस साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2010-11 से लेकर 2021-22 तक, सर 16 मई को 2023 को सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं, उनको बुला लिया है सर। उसी के साथ जनाब साकिब निसार साहब, उनको भी, क्योंकि उसमें जो मुमन डैम और बाशा डैम के पैसे हैं उसकी उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर वो बताई नहीं है। अदालत उज़्मा के ऑर्डर का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट की 16 मई को तलबी,
साबिक चीफ जस्टिस साकेत निसार को भी बुलाया गया। पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करना संजीदा मामला है, शाहिद खाखान और ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं, यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। सारे हाउस की कमेटी बना दें कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास्ट तक जो है या इस वक्त का जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं। बजट 9 या 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना स्ट्रेटजी पेपर अगले हफ्ते फाइनल करके वफाकी काबीना को भिजवाने की तैयारी शुरू कर दे। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान नियाजी को बीमारी का दौरा। वजीर दाखिला का तंज, कहते हैं शौकत खानम से झूठी रिपोर्ट बनवाई गई। चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना, ठेरिया के अब्बू, फॉरन फंडिंग समेत दीगर चोरियों के मुकदमात में जवाब देना है। दिवालिया मुल्क श्रीलंका में, महंगाई पाकिस्तान से कम। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। अशिया क्रोनोश की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। कराची में बारिश का इम्कान खत्म, 3 रोज़ मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत 36 डिग्री से बढ़ने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे मैच में कीवीज को 26 रन से हरा दिया। मेहमान टीम 288 के ताकुब में 261 रन ही बना सकी। They're moving like a pack. They're hunting. They all respond directly to an alpha. गॉडज़िला और कॉन्ग की जंग में दुनिया की तबाही का खतरा। हॉलीवुड मूवी गॉडज़िला एक्स दी न्यू एम्पायर का ट्रेलर जारी। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज के साथ मैं हूं सैयद मेहमान।